हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टेक जसवाल। आज हमारे पास एक सेट आया हुआ है सैमसंग 1200 E1200Y मॉडल, जिसमें दो प्रॉब्लम है। एक है कि वाइड डिस्प्ले है, दूसरा सिम इंसर्ट प्रॉब्लम है। आप देख सकते हैं कि डिस्प्ले वाइट आ रहा है और इसको हम देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें डिस्प्ले तो ओके लग रहा है बट फिर भी वाइट आ रहा है, तो इसके लिए हम बोर्ड में चेक करेंगे क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले हम शॉर्टिंग को चेक करेंगे, बोर्ड में शॉर्टिंग है या नहीं। दोस्तों, जहाँ तक देख रहे हैं बोर्ड में शॉर्टिंग तो नहीं है, फिर भी डिस्प्ले वाइट आ रहा है। तो डिस्प्ले वाइट होने का कारण कहीं ना कहीं किसी कंपोनेंट का शॉर्ट होने के कारण भी हो सकता है। तो जहाँ तक हम देख रहे हैं बोर्ड में, इससे पहले भी कहीं रिपेयर कराया गया है जहाँ नहीं हुआ है, और रिपेयर में यहाँ कुछ कंपोनेंट को छेड़छाड़ किया गया है। चलिए इसको हम साफ करके देखते हैं। पहले जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पहले कुछ काम किया गया है और इसमें कंपोनेंट भी मिस है। इसको हम सबसे पहले, यहाँ जो हम कुछ कंपोनेंट मिस है प्लस शॉर्ट लग रहा है, इसको हम दूर करते हैं, फिर देखते हैं वाइट डिस्प्ले का सॉल्यूशन होता है कि नहीं, वाइट डिस्प्ले वाला प्रॉब्लम मेरा सॉल्व होता है कि नहीं। डिस्प्ले का ट्रैक जो है यहीं से जाता है, जो वाइट डिस्प्ले का कंपोनेंट यहीं से होता है। जो एक कंपोनेंट सॉफ्ट होने का रिमूव करने पर डिस्प्ले वाइट डिस्प्ले सॉल्यूशन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, लेकिन यहाँ पहले से काम किया गया है फिर भी सॉल्व नहीं हुआ है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, अगर आपको दिख रहा है सही से तो दिखा दे, यहाँ हमारे हिसाब से कुछ काम हुआ है लेकिन यहाँ शॉर्ट हमको दिख रहा है। इसको हम दूर करके देखते हैं वाइट डिस्प्ले हटता है या नहीं। आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पहले से कुछ काम किया गया है। इसको हम फ्रेश करते हैं, क्या पता डिस्प्ले वाइट डिस्प्ले ठीक हो जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक कंपोनेंट होता है जो डिस्प्ले के ट्रैक पे जाता है,
हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं जो इसमें ट्रैक शूटिंग बता रहा था कुछ पहले से जहाँ रिपेयर हुआ था वहाँ कंपोनेंट जो गैप था वहाँ पर कुछ शॉर्ट करके चेक किया गया था पहले, लेकिन डिस्प्ले ठीक नहीं हो पाया था। हमने उस शॉर्ट को हटा दिया है, आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर ये दोनों पॉइंट शॉर्ट था, पहले से कहीं काम हुआ था। इस शॉर्टिंग को हमने हटाया है। यहाँ पे कंपोनेंट होता है, इसको रिमूव करने के बाद भी वाइट डिस्प्ले ठीक हो जाता है। और हम इस पॉइंट के शॉर्ट को हटा के ये और चेक करते हैं वाइट डिस्प्ले मेरा ठीक हुआ कि नहीं। आप देख सकते हैं डिस्प्ले काम करने लगा, जो वाइट डिस्प्ले का प्रॉब्लम था वो ठीक हो गया और डिस्प्ले देख सकते हैं बिल्कुल ओके है। हम चलते हैं इंसर्ट सिम का प्रॉब्लम सॉल्व करना, देखेंगे डिस्प्ले का प्रॉब्लम तो ओके हो गया। तो यही दो पॉइंट था जो शॉर्ट था, इसके वजह से ये वाइट डिस्प्ले आ रहा था। किसी भाई ने इसको रिपेयर किया था बट हुआ नहीं उनसे। अब हम देखेंगे डिस्प्ले प्रॉब्लम ओके हो गया। अब दूसरा प्रॉब्लम इंसर्ट सिम, जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें 6 पॉइंट है जिसमें से 2 पॉइंट का फ्रंट जो है वो ख़त्म है, उखड़ चुका है, ट्रैक यहाँ पे नहीं है। इस ट्रैक का हम जंपर निकालेंगे और चेक करेंगे दूसरे बोर्ड के सहारे कि ये ट्रैक कहाँ से इसका निकलेगा। जैसा कि देख रहे हैं सेम मॉडल मेरे पास अवेलेबल है और इस सेम मॉडल में इसका ट्रैक हम देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये फर्स्ट वाला यहाँ से चेक करेंगे, देखिए ये फर्स्ट वाला यहाँ से जंपर करना होगा जो कि ट्रैक शो कर रहा है, और सेकेंड वाले के लिए यहाँ से कनेक्शन कहीं से ट्रैक शो नहीं कर रहा है। सेकेंड वाली वैसे भी किसी काम का नहीं होता है, सेकेंड वाले को हम जंपर नहीं भी करेंगे फिर भी सिम मेरा वर्क करेगा। बाकी का मेरा एक प्रिंट इसमें है, ये वाली जंपर हम यहाँ देंगे। इसमें सबसे पहले हम सिम सॉकेट लगा देते हैं, सिम सॉकेट लगाने के बाद देखते हैं सिम काम करता है या नहीं। तो आप देख सकते हैं फाइनली सिम सॉकेट लग चुका है, वो भी जंपर के द्वारा। इसमें हमने ये 1200 मॉडल का सिम सॉकेट नहीं है, कार्बन K9 का है, चाइनीज़ मोबाइल का है, इसका नहीं मिलने के कारण हमने दूसरा सिम सॉकेट लगाया है। यहाँ पर 3 जंपर हमने दिया है आप देख सकते हैं, और मेन पॉइंट जो था जो पहले से यहाँ का प्रिंट उखड़ा हुआ था जिसका कनेक्शन इस पर नहीं था, इसको हमने यहाँ से यहाँ फर्स्ट वाले पर जंपर दिया हूँ, और सेकेंड वाला नहीं भी दिया जाएगा काम चलेगा। और यहाँ पर प्रिंट ऑलरेडी था तो सिम सॉकेट हमने लगा दिया, जंपर भी कर दिया। अब देखते हैं सिम लगाकर इसमें नेटवर्क आता है या नहीं, सिम सपोर्ट करता है कि नहीं।
आप देख सकते हैं यहाँ सिम सपोर्ट करने लगा और नेटवर्क भी आ गया और डिस्प्ले भी फर्स्ट क्लास वर्क कर रहा है। इसमें डिस्प्ले वाइट और इंसर्ट सिम का प्रॉब्लम था, सिम का जो ट्रैक था मिस था, दो ट्रैक इसका मिस था और ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। ठीक इसी प्रकार आप भी 1200 मॉडल जो सैमसंग E1200Y मॉडल है उसको आप ठीक कर सकते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल टेक जायसवाल ऐसे ऐसे वीडियो प्राप्त करने के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपको हम फिर से दिखाते हैं जंपर, आप क्लियर एकदम देख सकते हैं। यहाँ दो ट्रैक पहले से मिस था और हमने यहाँ एक जंपर दिया और यहाँ फर्स्ट वाले पे जंपर दिया, बस सीन वर्क कर रहा। दूसरा प्रॉब्लम वाइट डिस्प्ले का था जो कि यहाँ शॉर्ट होने की वजह से किसी भाई ने रिपेयर किया था फिर भी नहीं हुआ था डिस्प्ले का प्रॉब्लम सॉल्व। डिस्प्ले यहाँ शॉर्टिंग होने के कारण नहीं काम कर रहा था जो कि शॉर्टिंग हमने दूर कर दिया और काम कर रहा। ओके